हेलो गाइज, मैं हूं आपका दोस्त राजू भाई और आप देख रहे हैं एजुकेशन 33। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन दबाकर ऑल कर लें ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, ये कहानी एक साधु की कहानी है जो कि ये कहानी सुनने के बाद आपको जिंदगी में क्या करना है और कैसे करना है, कैसे आप उस काम को करने के लिए डटे रहोगे, ये कहानी हमें यही सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी, इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती तब यह लोग साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचे, और जब वह नाचने लगते थे तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद चार लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गाँव वाले उन चारों लड़कों को लेकर साधु के कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया, आधा घंटा बीत गया, फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और एक घंटे बीतते बीतते वह भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी, उसने नाचना शुरू किया, एक घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी रुका नहीं, वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते दो घंटे बीत गए, तीन घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी। फिर चारों लड़के ने साधु से पूछा कि बाबा, ऐसा क्या है कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई, आपके नाचने से बारिश हो गई? साधु ने उत्तर दिया कि देखो पुत्र, जब मैं नाचता हूँ तो दो बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। सफलता पाने वाले में यही गुण विद्वान होता है। दोस्तों, जिस चीज को करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा यकीन होता है और वह तब तक उस चीज को करते हैं जब तक कि उसमें सफल ना हो जाए। इसलिए हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आप कॉमेंट में बताएं, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें।